हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति तो देखेंगे। इसमें भारत के क्षेत्रफल, उसके विस्तार, उसके नेबर कंट्री और इंडिया की ग्लोब पे क्या लोकेशन एक्चुअल लेटिट्यूडनल है लॉन्गिट्यूडनल कंसर्न में, वो भी देखेंगे हम लोग। और ये पूरी बुक ही इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे डिपेंड है। यहाँ पे हमें भारत की विभिन्न ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव्ड मल्टी फेज्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड significantly to the making of world history। आप देख सकते हैं इसमें भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, चारों तरफ हर क्षेत्र में प्रोग्रेस किया है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकेशन देख लें इसकी, तो इससे हमें समझने में आसानी होगी। इंडिया इन द वर्ल्ड, ये ग्लोब है और इस ग्लोब में ये आपके कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ओशन भी इसी में है। देखिए पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, इधर आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन। तो पूरे वर्ल्ड मैप में इंडिया क्या लोकेशन है और उसमें एक्चुअल लोकेशन हम लोग लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वेस तरीके से देख सकते हैं। एक और चीज में आप देखेंगे, हमें ग्लोब है इसको एक इमेजिनरी लाइन है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू तो 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर है आपका, ये पूरे वर्ल्ड को, पृथ्वी को देखा जाए तो इमेजिनरी काल्पनिक रूप से 2 पार्ट में बांट दिया है। ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर। ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये जो लाइनें हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये देखेंगे आप, देख रहे हैं, इसको हम लोग लेटिट्यूड बोलते हैं। जो वर्टिकल है इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। इसको हम लोग टाइम लाइन ही बोलते हैं। इसमें भी ये पूरा ग्लोब 2 पार्ट में बटा है, ईस्ट और वेस्ट के नाम पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री है, टाइम मेरिडियन बोला जाता है इसको, टाइम लाइन है। इसके ईस्ट में कंट्री है उनका टाइम अलग होगा, वेस्ट में है उनका टाइम अलग होगा। तो ये आपको समझने में आसानी होगी। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लिंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया की लोकेशन है पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देख सकते हैं आप इक्वेटर के ऊपर जा रही है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लेटिट्यूड्स 8 degree 4 minute नॉर्थ एंड 37 degree 6 minute नॉर्थ। ये देख सकते हैं यहाँ से, इसका ये साउदर्न पॉइंट 8 degree से लेकर
और ये उसका नॉर्दर्न पॉइंट है, 37 डिग्री 6 मिनट के बीच का हिस्सा है। एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब ईस्टर्न में इस साइड से देखेंगे हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री और 25 डिग्री मिनट ईस्ट ये वाला हिस्सा। इसका ये एक्सटेंशन है लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल के रूप में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। इसको हम लोग यहाँ तो नहीं दिया, यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन आप जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे कंट्री को दो पार्ट में बांट दिया, देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऐसे ही लेटिट्यूडनल देखिए 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसका लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। टू द साउदर्न ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड लाई द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। इसके मुख्य भूभाग दक्षिण दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है, ये देखिए अंडमान निकोबार, और दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप ये अरेबियन सी है, बे बंगाल है। अब इसका अब इसको एटलस अगर है तो उसकी सहायता से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो इंडिया की लोकेशन आप देख लिया आपने, इंडिया ये जो वास्ट कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं हम लोग। तो ये इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे आप देखेंगे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, या इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, डिवाइड पूरे कंट्री के दो पार्ट में बांट देती है लगभग। और अभी हम चर्चा किए मुख्य भूमि जो है तो दक्षिण पश्चिम जो बे ऑफ बंगाल है अरेबियन सी है, दोनों में एक आइसलैंड है, एक दक्षिण पूर्व में आपका अंडमान निकोबार है, दक्षिण पश्चिम में अरेबियन सी में लक्षद्वीप। और यहाँ हम देखेंगे पॉइंट डिस्कस किया है उन्होंने, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2010-2004 ड्यूरिंग द सुनामी। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न। तो ये इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे ग्लोब में, फिर आगे हम लोग इसको और डिटेल पढ़ेंगे अगले टॉपिक। थैंक यू।